नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अशोक हमरहे की ओर से। आज हम कोलकाता में हैं और हमारे साथ हैं ग्राम समृद्धि अभियान के श्री अशोक मोदी जी। अशोक मोदी जी ग्रामीण क्षेत्र विकास का कार्य कर रहे हैं, ग्राम्य विकास का कार्य कर रहे हैं, कृषि, किसान और गाय को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जो खेती की उर्वरकता खत्म होती जा रही है उसको बचाने का काम कर रहे हैं, जो गाय कट रही है, किसान बेच रहे हैं, उसे बचाने का कार्य कर रहे हैं और किसान को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये सारी बातें हम उन्हीं से जानते हैं। अशोक जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने चैनल पर। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभियान है आपका, इस अभियान की शुरुआत आपने कैसे की? लगभग 4-5 साल पहले हम लोगों ने सोचा कि गौ रक्षा कैसे हो, गाँव की परिस्थिति कैसे अच्छी हो, तो हम लोगों ने गाँव में जाना शुरू किया और जाकर गाँव वालों से मिलना, उनके साथ बैठना, उनकी समस्याओं को सुनना। और फिर धीरे धीरे ये समय में आया, एक गांव में हम गए तो हमने गांव वाले से पूछा कि कौन कौन अपने बच्चों को किसान बनाना चाहता है जी। तो हमें आश्चर्य हुआ कि एक मंदिर के चबूतरे हम लोग बैठे हुए थे, लगभग 40-50 वहाँ किसान थे, महिलाएं पुरुष दोनों, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और फिर हमने हिसाब लगाया कि 1 एकड़ जमीन में जो लोग धान उगाते हैं उनको 20,000-22,000 रुपया मुश्किल से कमाई होती है जी। तो इसलिए कोई भी किसान अपने बच्चों को किसानी वाले काम में लगाना नहीं चाहता है। फिर हमने मयंक गांधी जी जो पागली जिला में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर योजना बनाई कि इसका समाधान क्या है। तो फिर हमने एक योजना बनाई कि जो खेती कर रहे हैं गांव वाले, उनका अधिकतर पैसा चला जाता है खाद में, अंग्रेजी खाद जो है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, जिसमें विष लिखा हुआ रहता है बोतल पर, वो लोग माने बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, उनका कोई नाप तोल भी नहीं है। और जो अपने पुराने सिस्टम ऑफ फार्मिंग थी वो सब भूल गए, मतलब प्राकृतिक खेती बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई और रासायनिक उपयोग ज्यादा। गांव वालों से पूछो कि गोबर गोमूत्र का यूज किया है, तुमको कुछ मालूम नहीं। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई गांव में मुख्य समस्या है गरीबी, मेल नरिशमेंट, वो लोग फार्मिंग छोड़ रहे हैं, गांव को छोड़ के जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने गांव सारे खाली हो जाएंगे। और बंगाल में समस्या ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में बाहर के लोग आ रहे हैं, जो धीरे धीरे यहाँ की जमीन को खरीद कर सारे गांव खाली होते जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमने एक एक्शन प्लान बनाया कि गांव में 4 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं, उस 4 दिन में 3 दिन 3.5 दिन तो सारी ट्रेनिंग चलती है, लास्ट में हम उनकी एग्जाम लेते हैं, रिटर्न एग्जाम लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें हम उनको जीरो कॉस्ट फार्मिंग सिखाते हैं, जिसमें एक गाय से लगभग 1 एकड़ मिनिमम जमीन उसमें खेती हो सकती है, बिना कोई माने केमिकल, कोई लागत नहीं लगेगी। हाँ, कोई लागत भी नहीं लगेगी। और आज हजारों की संख्या में आप देखेंगे हमारे फार्मर बंगाल में ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमसे ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा, ये इस ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें सिखाते हैं? इस ट्रेनिंग में हम देखिए, एक तो नेचुरल फार्मिंग सिखाते हैं, फिर आपके खाद बनाना, खाद में जैसे हम उनको सिखाते हैं कि कैसे गौमूत्र, नीम और गार्लिक जो लहसुन होता है उनको यूज करके और पेस्टिसाइड्स बनाया जाता है। अच्छा, और फिर हम गांव में पॉन्ड बनाते हैं जिसमें लोग फिशिंग का भी कर सके और सिंचाई की व्यवस्था, जाड़े के समय में एक और खेती ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में गोबर से साबुन बनाना, गोबर के पाउडर से, फिर आपके बनाना भी दंत मंजन है, उसमें अमरूद के जो होते हैं पत्ते, नीम के पत्ते
और आपके आम के पत्ते, इनका मिश्रण करके और हमने उनको मंजर बनाना सिखाया है। आज हजारों की संख्या में फार्मर्स उसको बना रहे हैं अपने उपयोग में, और हम उसको सेल भी कर रहे हैं और खुद उपयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, कीटनाशक भी आप बनाते हैं? हाँ, उसको भी सिखाया। कीटनाशक हमने गोमूत्र और नीम और गार्लिक, इन तीनों चीज के व्यवहार से उनको कीटनाशक बनाना सिखाते हैं, बहुत सहजता से सब लोग सीख जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप सिखाते हैं, आप खाद बनाना सिखाते हैं, आप कीटनाशक बनाना सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ जो अन्य उत्पाद हैं जैसे कि मंजन की बात की आपने, इस तरह के भी उत्पाद आप बनाना सिखाते हैं। तो अभी तक ये आपका अभियान चलते हुए कितने साल हो गए होंगे? ये देखिए, लगभग 3 साल से हमारा, 3 साल से चल रहा है, 3 साल से ये काम चल रहा है। तो अब तक कितने गांव तक आप पहुंचे हैं, कितने किसानों? अभी तक देखिए, हमने लगभग 757 विलेज में हम लोग गए हैं। जी, बहुत अच्छा। 757 विलेजेस और लगभग 7,500 फार्मर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो प्राकृतिक खेती करने लगे। हाँ, प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। उसमें लगभग 2,000 फार्मर को हमने ट्रेनिंग दे दी और 600 हमने पोंड बनाए हैं। फिर एक और अनुभव और आया कि जैसे एक गांव में हम गए तो गांव वालों ने कहा कि, हमने पूछा किसके किसके पास गाय है, तो मालूम पड़ा कि प्राय सब लोगों ने अपनी गायें बेच दी। अच्छा, एक परिवार ने कहा कि मेरी दादी है, वो जब मर जाएगी तब हम अपनी गाय बेचेंगे, क्योंकि वो हमको बेचने नहीं दे रही। अच्छा, उससे उनका लगाव ज्यादा है। तो उनको उनको मालूम ही नहीं है कि गोबर से कैसे कृषि हो सकती है, मतलब गोबर और गोमूत्र का उपयोग जानते हैं? उपयोग ही नहीं जानते। वो आप सिखा रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं आप उसके महत्व को उन तक पहुंचा। एक गाय से 1 एकड़ जो जमीन है उसमें आराम से लोग खेती करते हैं, और हमने देखा कि जो खेती है उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल हो रही है, फसल की क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है। क्वांटिटी, ये जो कंसेप्ट लोगों में है कि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग से क्रॉप कम होता है, ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है सब में। ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई इनकी क्रॉप, इनकी इनकम कैसे बढ़े, तो जैसे मयंक गांधी जी ने महाराष्ट्र में लगाया कि जिसे 100 गांव पपीते के बनाए। अच्छा, तो 100 गांव पपीते के हो गए तो वो पूरी मंडी बन जाती है वहां पर। अच्छा, 1 एकड़ में 900 पेड़ लगाते हैं, लगभग 50 टन माल होता है, और 10 रुपए किलो से भी अगर आप वहां पपीता बेचते हैं तो 5 लाख रुपया हो गए। मतलब एक एक इलाके में आपने एक एक फल या एक एक फल या दो फल हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जैसे 2.5 लाख लगाए 2021 में, तो इस साल अब हमने 20 लाख पेड़ का टारगेट लिया है। अच्छा, 20 लाख तो पेड़ लगाएंगे। कौन कौन से आपने फल लगवाए हैं अभी तक? तो हमने जैसे आम लगाए हैं, अब हमने ये सोचा है, आपने, मैं गया था आपके गांव, हाँ, तो अमरूद भी लगाया है। अब ज्यादा चेष्टा कर रहे हैं कि जल्दी क्रॉप जिसमें मिले, जैसे केले का पेड़ है तो हमने रामकृष्ण मिशन से और टिश्यू कल्चर के पेड़ लिए हैं। अच्छा, और केले के जैसे 100 गांव करना, 200 गांव करना, ये टारगेट लेके भी प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं। और फिर हमने एक बहुत अच्छा अनुभव आया कि गाय लोग कैसे रखें, क्योंकि जितने जो गौशाला है वो तो एक तरह से ओल्ड एज होम की तरह आप उसको समझ सकते हैं जी। या तो वहां बछड़े हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं, जो बूढ़ी गाय, बीमार गाय, वो सब वहां आ जाती है। तो हमने लगभग 100 गांवों में गोबर गैस प्लांट लगाए। अच्छा, और वो इतना सक्सेस हुआ एक्सपेरिमेंट, एक गोबर गैस प्लांट के पीछे हम लोग 4 उनको बछड़े दे देते हैं। अच्छा, और 4 या 5 लोगों का जितनी भी ईंधन की रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाती है। अभी मैं गांव में गया, सारे लोग आके घेर ली, जितनी महिलाएं थी सब बोल रही है कि हमारे घर में भी लगाओ। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल हो रहा है। और इससे क्या है कि 4 या 5 बिना दूध वाली गाय है उनको आश्रय मिल गया, घर मिल गया। बिना दूध वाली गाय भी रख रहे हैं वो, क्योंकि उनको गोबर और उनको गोबर गोमूत्र चाहिए। और बात सही भी है, दूध तो गाय जो देती है उसको कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन बिना दूध की गाय वो गोबर और गोमूत्र तो जीवन भर देती है।
गोबर गोमूत्र में हमने फिर उनको ये बताया कि भाई देखो गोबर गैस प्लांट में तो इतना खर्चा लगता है जी, तो आप में से कौन कौन लोग 700-800 रुपये महीने का अगर हम बैंक लोन दिलाएं ये गोबर गैस प्लांट लगा लेंगे, 700-800 रुपये महीने का देंगे इंस्टॉलमेंट। अच्छा। तो सब लोगों ने हाथ उठाया, सब लोग एग्री हो गए कि हम इंस्टॉलमेंट देंगे। इससे एक लाभ क्या है कि लकड़ी कटना बंद हो जाती है फायरवुड के लिए, दूसरा जो स्लरी निकलती है वो स्लरी मैं खाद के लिए सर्वश्रेष्ठ है बिल्कुल, तो आपको खाद मिल गई फ्री में, आपको ईंधन मिल गया, इतना क्लीन ईंधन है, उसमें बर्तन काले भी नहीं होते, उसकी इतनी ब्लू फ्लेम्स होती है। तो ये आप हमारे जो मतलब ईंधन का खर्चा भी बच गया, ईंधन का खर्चा बच गया, लकड़ी कटनी बच गई, लकड़ी कटनी बचनी होगी, और उनका हेल्थ हेल्थ और अच्छी हुई, उनका हेल्थ हेल्थ हैजार्ड भी जो खत्म हुआ ना, सही रही, क्योंकि आज ये गीली लकड़ी रहती है उसको जलाने में इतना धुआं होता है, महिला परेशान होती है, बच्चा स्कूल जाने वाला है, इधर भोजन तैयार नहीं है। आपने देखी ये हमारा जो ये फोल्डर है इसमें गोबर गैस प्लांट लगा हुआ इस गांव में, और महिला जो अपना अपने कुकिंग कर रही है, और चार पांच जो बिना दूध वाली गाय है उनका आश्रय स्थल हो गया, और बच्चे उनके खेलते हैं, और दूर दूर तक गोबर होता है उसको लोग इकट्ठा करके ले आते हैं, गांव में चरती है गाय, उसका भी कोई खर्चा नहीं है, वहां तो पर्याप्त चारा मिल जाता है गाय में, बिल्कुल बिल्कुल। और एलपीजी में जो फॉरेन एक्सचेंज लगती है वो भी सेविंग हो रही है आज, जब मन में आए तब लोग अपना खाना बना सकते हैं। ये आपकी जो योजना है वो बहुत अच्छी है, और जो आपने फल लगाने वाली बात की, अच्छा बीज शोधन पर भी कोई कार्य हो रहा है? बीज शोधन पे नहीं, हमने बीच में एक प्रोग्राम लिया था जी, कि जो पहाड़ी एरिया है उसमें हमने बॉम्ब्स बनाए थे जो गोबर में शुद्ध करके नीम के बीज हैं, और जो जंगलों में जो हो सकते हैं पेड़, तो वो बॉम्ब हमने लगभग 2-2.5 लाख इसे बनाकर बच्चों को दिए कि वो लोग तुम लोग पहाड़ों में फेंको इसको। अच्छा, तो वो सारे पहाड़ी एरिया में अभी वो सब नीम के गाछ सब तैयार हो गए हैं, चल के देखेंगे तो आपको सब जगह जगह देखेंगे कि 2 फुट का 1 फुट का 3 फुट का गाय बहुत अच्छा उधर मत पेड़ खड़ा हो गया। और साथ साथ में जो हम लोग पौंड बना रहे हैं, तो पौंड में क्या होता है कि मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, तो उसके एक ढलान जहाँ रहती है उस ढलान में छोटा सा पौंड बना देते हैं, तो लगभग 10,000 रुपया उस पर पोस्ट आता है, तो जितनी भी टॉप सॉयल है बारिश से आती है वो सारी आके उसमें जमा हो जाती है, बाद में जब उसको निकाल के वापस नेक्स्ट ईयर उसमें बिछा देते हैं, तो एक तो सॉयल बह के नहीं जाती है बाहर, और दूसरा जाड़े में जब पानी नहीं रहता है तो एक और खेती सब्जी की खेती हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक किताब भी छपा के उनको हमने दी है कि कौन से महीने में क्या लगाना, नवंबर में क्या लगाना, फरवरी में क्या लगाना सब्जी, तो उनका न्यूट्रिशन भी अच्छा होने लग गया, उससे वो लोग एक खेती और कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, और आपने जो ये ग्राम्य विकास की एक तरह से योजना है ये आपने शुरू की, और इस कार्य में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे किसान भाई इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो गाय अपने घर रखें, गाय का पालन करें, गोपालक बनें, और गाय के साथ अपना जीवन सुखी सुखी बिताएं, क्योंकि एक गाय आपके जीवन को बदल सकती है। अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने अपनी योजना के बारे में हमें बताया, और इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पहुंचेगा। नमस्कार।